सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइज़ आप अपने पीसी में कैसे मैप्स को चला सकते हो, कैसे मैप को गाइज़ अपने पीसी में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। गाइज़ मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों जेन्युइन तरीके और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं। तो गाइज़ मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैंने यहाँ पे कुछ मैप्स खोल रखा है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे गाइज़ मैं ये मैप अभी चला रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ मैप चलाना बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हो गाइज़ यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हो कर सकते हो, गोंडा, बहराइच, आपको जो भी मैनपुरी, आपको जो भी गाइज यहाँ पे सर्च करना है। मैप चलाना तो आप फ़ोन में तो जानते ही होंगे गाइज, आपको पीसी में अपने कैसे करना है गाइज, मैं वो आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा गाइज, दोनों जेन्युइन तरीके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो गाइज मैं इसे फुल ऑफ कोर्स क्लोज कर देता हूँ, पूरी तरीके से मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, जैसे गाइज आपने करना क्या है। सबसे पहले गाइज आप इसे डाउनलोड कैसे करोगे, डाउनलोड करने के लिए गाइज हम अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नाम का ब्राउज़र होगा, तो गाइज आपको यहाँ पर जाना है और सर्च करना है मैप्स। जैसे गाइज अब ये सर्च करोगे मैप्स तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे मैप्स वाले एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो गाइज़ इनमें से मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वह है विंडो मैप। आप ये मैप चलाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। आप भी यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ब्राउज़र पे आएं और ये सर्च करें मैप्स, और गाइज़ जिससे अपने डिवाइस में इंस्टॉल और डाउनलोड कर लें। जैसे गाइज़ ये आपको ओपन करना है, फिर गाइज़ यहाँ पे जहाँ मेरे ऑप्शन आ रहा है ओपन का, यहाँ पे गाइज़ आप में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो गाइज़ यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सिंपल तरीका है गाइज़, यहाँ से आपको और कुछ नहीं करना है, बस ये डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद गाइज़ आप इसे ओपन कर लेना है, ओपन करना है। जैसे आप ये ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपसे होगा, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ये गाइज बहुत ज़बरदस्त दिखा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गाइज ये रोड वाला हो गया, अगर गाइज आपको ये बिल्डिंग वाइज चाहिए तो गाइज ये बिल्डिंग वाइज भी हो जाता है यहाँ से। जैसे गाइज हम एरिया वाइज मानते हैं कि हमारे घर दिखें और हमारा सब कुछ दिखे, रोड वाला नहीं चाहिए, तो गाइज आप यहाँ से बिल्डिंग वाला एरियल सेलेक्ट कर लो और ये रोड वाला है। तो गाइज यहाँ से आप ट्रैफिक भी ऑन ऑफ कर सकते हो, और बाकी गाइज यहाँ आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो और ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे गाइज आप यहाँ चेक करें मेरी लोकेशन, जैसे मैं देवा शरीफ में रहता हूँ, तो गाइज मैं यहाँ पे देवा शरीफ डाल देता हूँ, देवा शरीफ दरगाह। जैसे गाइज मैंने ये डाल दिया, फिर ये यहाँ गाइज सर्च करेगा। और अगर जो आपको इस ऐप पे कुछ डाउनलोड नहीं करना है तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो गाइज, बिना ऐप डाउनलोड के सिर्फ आपको लॉगिन करना है, सिंपली आपका मैप चालू हो जाएगा। तो गाइज आप यहाँ देखें देवा शरीफ, हाजी वारिस अली शाह दरगाह यहाँ पे दिखा रहा है, गाइज आप चेक करें। जैसे ये रोड वाइज लोकेशन दिखा रहा है गाइज, आप चेक कर सकते हो। और गाइज यहाँ से आप ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड गाइज कहीं का लोकेशन गाइज आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ से सिंपली। और गाइज अगर जो आपको कहीं जाना है जैसे फ़ोन में होता है, जैसे गाइज हमें अपनी लोकेशन से जाना है लखनऊ, मैं लिख देता हूँ लखनऊ, LUCKNOW लखनऊ। तो गाइज मैंने सर्च कर दिया, फिर गेट डायरेक्शन पे सर्च कर क्लिक कर दिया। अब गाइज ये यहाँ से मेरे यहाँ से लखनऊ की दूरी दिखा रहा है, ये हमें रास्ता भी दिखा रहा है गाइज से जा सकते हो। आप ये जब रोड मोड में लगाओगे तो आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा यहाँ से। तो गाइज आप इस तरह इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी जो हमारा दूसरा तरीका है, मैं इसको क्लोज देता हूँ, उसकी तरफ चलता हूँ। जैसे गाइज जो हमारा दूसरा तरीका है, मैंने इसे क्लोज कर दिया, आपको गाइज क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर जो है जिस भी आईडी से लॉगिन हो, आप लॉगिन होने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सर्च करना है मैप। जैसे गाइज आप मैप पे सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का गाइज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे गाइज यहाँ पे आप चेक करें, जैसे गाइज आप मैप सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे मैप्स दिख रहे होंगे, लेकिन गाइज आपको यहाँ पे गूगल मैप्स पे क्लिक करना है, ना कि कोई ऐप पे ना ही कोई वेबसाइट पे, आपको गूगल मैप पे क्लिक करना है। जैसे गाइज आप गूगल मैप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने गाइज गूगल मैप का पूरा इंटरफेस इस तरीके का खुल के आ जाएगा, जैसे गाइज आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। जैसे गाइज मैं यहाँ पर भी वही सेम चीज़ सर्च कर लेता हूँ, देवा शरीफ दरगाह। तो गाइज जैसे मैंने सर्च किया, आप देखिए यहाँ पर फ़ोटो भी दिखा रहा है, अगर फ़ोटो 10,742 फ़ोटो दिखा रहा है, आप गाइज वहाँ फ़ोटो भी चेक कर सकते हो। और गाइज आपको लोकेशन अगर चेक करनी है तो गाइज यहाँ से जाके आप गाइज लोकेशन भी चेक कर सकते हो यहाँ से।
गाइस ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और गाइस सेम वैसा ही है यहाँ पे, अगर आपको जाना है अपनी लोकेशन चॉइस करें और जहाँ आप जाना है आपको वो लोकेशन चॉइस करें। जैसे जैसे मान लो चारबाग लखनऊ मुझे जाना है, तो मेरे यहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन कितना है ये सब दिखा रहा है, रोड मैप दिखा रहा है। फिर गाइस आप इस तरह बाइक से जाएंगे तो इस तरह, फोर व्हीलर से जाएंगे तो ये रास्ता सही है, बस से जाएंगे तो ये, पैदल जाएंगे तो ये, साइकिल से जाएंगे तो ये। तो गाइज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। बाकी गाइज़ आप अपने डिवाइस में ये ऑन ऑफ़ कर सकते हो। और गाइज़ आपको क्या करना है, आप जब भी मैप चलाएं तो गाइज़ पहले पीसी की सेटिंग में जाएं और गाइज़ यहाँ से गाइज़ आप लोकेशन को ऑन कर लें, या फिर अगर आप में ऑन है तो उसे ऑफ़ कर दें। तो गाइज़ मैं लोकेशन जो है अपना चला रहा था तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे गाइज़ ये लोकेशन मेरा ऑन है। तो गाइज़ मैं यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। तो गाइज़ आप इस तरह कर सकते हो। बाकी अगर कोई इशू आए तो आप मेरे को कमेंट करो और गाइज़ मेरे को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।